घुटने पर आ जाए उसे कसाई कहते हैं। आधी जिंदगी जेल में गुजार चुका है, अब और तेज होगी। ऐसे कई चीफ आए और गए। याया 19 बरस का था, हत्या और किडनैपिंग में उसे अरेस्ट किया गया। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 पुनीत के साथ। जंग कभी भी बिना सिपह सालार के लड़ी नहीं जाती, और इसीलिए ही अभी सब कुछ ठंडा ठंडा सा है। ईरान कह रहा था कि इसराइल से वो बदला लेगा हमास चीफ हनिया की हत्या का। उधर लेबनान में भी टेंशन अपने चरम पर है। लड़ाई तो चल रही है लेकिन कोई बड़ा हमला भी नहीं हुआ है। ऐसी खबर अब तक सामने आई क्यों नहीं? आखिर क्यों? क्योंकि बात वही है कि बिना सिपह सालार के जंग लड़ी नहीं जाती। इसीलिए तो आपको हम बता रहे हैं कि हमास ने अपना सिपह सालार तय कर लिया है, उसे कसाई कहते हैं। जी हां, कसाई, और नाम है याह्या सिनवार, जो कि अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजार चुका है। अब कह रहे हैं कि उसके आते ही जंग और तेज हो जाएगी। वैसे इसराइल मान रहा है कि ऐसे कई चीफ आए और गए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन कौन है हमास का नया कमांडर और क्यों इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो आ गया तो ऐसा हो जाएगा, वो आ गया तो वैसा हो जाएगा? असल बात तो यह है कि 1948 से लेकर आज तक इसराइल के सामने कोई टिक नहीं पाया है। छोटा सा देश है लेकिन मजाल की कोई कुछ कर पाया हो, बल्कि उस देश ने अपनी ताकत ऐसी बना ली है कि पूरी दुनिया उससे खौफ खाती है। ओलंपिक खेल के दौरान जब इसराइल की टीम पर हमला हुआ था, कौन भूल पाया उसे? क्या हाल उसने किया था किसे पता नहीं है। चुन चुन कर सालों तक पीछे पड़ा रहा और तब तक दम नहीं लिया जब तक कि एक एक को खत्म नहीं कर दिया, उसका खात्मा नहीं कर दिया। चारों ओर से मुस्लिम देश से घिरा होने के बाद भी मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। इसलिए तो प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं उसके खिलाफ। तुम भी हिजबुल्ला को भी ले लिया, हमास को भी ले लिया, और आज से नहीं सालों से इसराइल अपने अंदाज में हर हमले का जवाब भी देता है और बदला भी जमकर लेता है। लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि इसराइल घुटने पर आ जाएगा? क्यों आ गया है कसाई, यह कहा जा रहा है, जिससे कि अच्छे अच्छे कांपते हैं। वो जिसे अमेरिका जैसे मुखिया ने 2015 में आतंकवादी घोषित कर दिया था, वो जो किसी को भी बख्शता कभी नहीं है, फिर चाहे फिर वो अपना भी हो पराया भी हो, और इसका नाम है याह्या सिनवार, जो अब बन गया है हमास का नया चीफ। हम आपको बताएंगे कि हमास के पुराने चीफ हनिया की हत्या को लेकर कौन कौन से सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं इसी याह्या सिनवार का कोई खेल भी दिखाई देता है क्या, क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि ये याह्या सिनवार जो है कौन, इसकी ताकत क्या है। बताते हैं, ये बड़ा खूंखार है। हालांकि इसका कद हनिया के बाद तीसरे नंबर का था, फिर दूसरे नंबर वाले को सुपरसीड करते हुए ये चीफ कैसे बन बैठा? तो बात यह है कि हनिया के बाद दूसरे नंबर पर डिप्टी चीफ अल अरूरी था, जो कायदे के हिसाब से हनिया की मौत के बाद चीफ पद का दावेदार था। लेकिन इसराइल ने तो उसका हिसाब पहले ही चुकता कर दिया। इसी साल 2024 में जनवरी में सालेह अल अरूरी की हत्या कर दी गई। बताया गया कि इसराइल के ड्रोन हमले में उसे मार गिराया गया, यानी कि पहले डिप्टी कमांडर मरा और फिर हमास का चीफ हनिया भी ढेर कर दिया गया। तो जाहिर है कि तीसरे नंबर वाले को जिम्मेदारी मिली थी, और यही हुआ भी। तीसरे नंबर पर इसका दावेदार कौन बनता है? याह्या सिनवार, और सिनवार को जिम्मेदारी मिल गई। बीते मंगलवार को हमास की तरफ से यह खबर आई कि याह्या सिनवार अब हमास का नया चीफ होगा। हालांकि सिनवार गाजा में ही इसके पहले हमास की कमान संभाल रहा था, यानी कि वो इसराइल से गाजा की जमीन से डायरेक्ट पंगा ले रहा था। बताते हैं कि उसके जितना खूंखार और शातिर नेता हमास में कोई और है भी नहीं। वो बेहतर तरीके से जानता है, समझता है कि कैसे गाजा में इसराइल से जंग लड़नी है। अब कहा यह जा रहा है कि सिनवार ही होगा जो बंधकों की रिहाई और सीज फायर जैसे अहम फैसले हमास की तरफ से ले सकता है। दिलचस्प बात यह भी कि हनिया जहां कतर में बैठे बैठे पूरे संगठन को चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिनवार का मुख्य ठिकाना गाजा में है। गाजा में जब उसे 2017 में चीफ बनाया गया था गाजा के लिए, तब से वो कभी सामने भी नहीं आया।
इतना ही नहीं, एक बार तो ये खबर भी आई कि सिनवार को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि नहीं, वो मरा नहीं है बल्कि वो तो जिंदा है। अब ये याहिया सिनवार है कौन, इसके बारे में समझ लीजिए, इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में जो खान यूनिस का रिफ्यूजी कैंप चलता है, वहां पर उसका जन्म हुआ। 22 साल जेल में बिताए और पूरा नाम उसका है याहिया इब्राहिम हसन सिनवार। 1948 में इसराइल की जब स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाल दिया गया, तो याहिया के माता पिता रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे थे, यही याहिया सिनवार का जन्म हुआ। 1989 में सिनवार गिरफ्तार किया गया, तब वो 19 बरस का था और वो हत्या और किडनैपिंग में अरेस्ट हुआ था, मुकदमा चला, बाद में उसे आजीवन कारावास की और एक ने चार आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद और शॉलिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली हुई और सिनवार को भी तब रिहा किया गया था, छोड़ दिया गया था। तब तक सिनवार 22 साल जेल में बिता चुका था, लेकिन इसके बाद वो ऐसा बदला कि लोग उसे खान यूनिस का कसाई कहने लगे। सिनवार को निर्मम हत्याएं करने के लिए बड़ा जाना जाता है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि सिनवार ने इसराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों जिंदा दफन करवा दिया था। और हैरानी की बात तो यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं किया गया, बल्कि चम्मच थमा दी और चम्मच से किया गया कि चम्मच से उसको भरो। ऐसी क्रूरता की वजह से उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। सिनवार के करीबी उससे खौफ खाते हैं और कहा यह जाता कि अगर आप सिनवार की बात को टाल दे रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी से पंगा ले रहे हैं, दांव पर लगा रहे हैं। 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तीवी को टॉर्चर कर उसने जान ले ली थी। इश्तीवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेरा फेरी का आरोप था। कहते हैं कि सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में बड़ा माहिर है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है और वो खामोश जरूर है लेकिन खतरनाक नेता के रूप में इसीलिए भी जाना जाता है। सिनवार को ईरान का करीबी बड़ा माना जाता है। अब ये करीबी क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है। अब सच है क्या पता, लेकिन अभी जब हमास चीफ की हत्या हुई, हनिये मरा, तो सीधी उंगली उठी इसराइल की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि गाजा में जिन इसराइलियों को बंधक बनाया गया, उनको छोड़ने या ये कहें कि उनकी रिहाई को लेकर जो डील चल रही थी ना, उस डील में हनिये का रवैया कुछ नरम सा दिख रहा था, जबकि याहिया सिनवार इस मामले में कड़क रुख अख्तियार किए हुए था। अब अगर सोचें कि हमास है क्यों, तो हमास है इसराइल से लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर हमास का रुख नरम पड़ जाएगा तो फिर लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, और लड़ाई कमजोर पड़ेगी तो ईरान पूछेगा नहीं कि हमास से कि तुम कर क्या रहे हो भाई। इसीलिए एक शक की सुई घूमती जरूर है हमास चीफ हनिये की हत्या और याहिया सिनवार को लेकर, क्योंकि खान यूनिस का कसाई जो कहलाता है वो जमीन पर रहकर, यानी कि गाजा में रहकर ही लड़ाई लड़ रहा है, तो जो जमीन पर है उसको बेशक मालूम है कि क्या स्थिति है, जबकि हनिये कतर में बैठकर खेल खेल रहा था, ऑपरेट कर रहा था। तो पुष्टि तो नहीं है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो ही रहा है कि क्या दोनों के बीच में अनबन चल रही थी हनिये और याहिया सिनवार के बीच में, क्योंकि कई लोगों को यह बात अभी भी पच नहीं रही है कि 2 महीने पहले से उस रेस्ट हाउस में बम रख दिया गया जहां पर हनी अक्सर रुका करता था ईरान, और ये काम इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का था। अगर मोसाद का था तो इसमें बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि IRGC यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स, जो मामूली कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है, उसकी बहुत ताकत है, बड़ा पावरफुल ग्रुप ये कहलाता है, और उसकी सुरक्षा में होना ही ये माना जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता। और जब VVVIP की सुरक्षा की बात होगी तो क्या ऐसा होगा कि इतना अहम ग्रुप सुरक्षा चेकिंग में कोई खामी छोड़ देगा? एक एक जगह को कई बार चेक किया जाता है, आपने भी देखा होगा, ऐसा होता नहीं कि साहब यहाँ हर बार आते हैं तो ये जगह चेक क्यों करना, छोड़ दो यहाँ पर, क्या ठीक है पलंग के नीचे क्यों देखना, ऐसा होता नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी हर बारीक काम पर नजर रखती है और पूरी चीज़ें चेकिंग होती है, सब चीज़ें, और वो भी IRGC जिसकी तूती बोलती है। खैर, अब जब हमास को नया चीफ मिल गया है तो अब देखना यह है कि इस जंग में अगला बड़ा कदम कैसे और कौन उठाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।